hello everyone in previous lecture i explained about the arrangement of rolling mill stand and planetary rolling mill in today's lecture i will be explaining very important topic that is analysis of rolling process and angle of bite so let us start so for analysis of rolling process first of all we have to draw the rolling operation diagram so as we know that in the simple rolling process the material is fade into the two rollers like this sorry so here the initial thickness is ti and outlet thickness is to and the in, in the backward stress acting is sigma xi and over here the extending stress acting is x o and the velocity at inlet is vi and outlet velocity is vo the center of roller this one is o1 and this is o and we have to take one small section for the analysis purpose with a dx thickness and at a x distance from this center line. As we draw the center line, the distance this is x. So a uh, metal uh, with Metal sheet with a thickness of Ti enters the rolls, passes through the gap between rolls, and leaves with reduced thickness TO. Now, the quantity Ti minus TO is the absolute reduction or drought in the process. The Ti minus TO is the Absolute reduction or drought in the system Absolute or drought in the system. Now, since there is no change in volume of metal passing between rolls, velocity VO of metal at exit must be greater than or uh, more than the velocity at the inlet at the entry. So, here the volume we can say, suppose the thickness is uh, sorry, width is. बी ऑफ द शीट जो विड्थ है वो सेम रहेगी सपोज बी विड्थ है शीट की तो वो सेम रहेगी और यहाँ पे जो लेंथ है वो यहाँ पे थिकनेस चेंज हो रही है विड्थ सेम रहेगी लेंथ यहाँ पे चेंज होगी वेलोसिटी वी आई पे ऊपर डिपेंड करेगी सो वी आई इंटू बी इंटू थिकनेस टी आई इज इक्वल टू वी ओ बी टी ओ द आउटलेट थिकनेस इंटू वेलोसिटी आउटलेट इंटू बी विथ सो ही द टी आई जो टी आई है इज ग्रेटर देन टी ओ जो इनलेट वैलो थिकनेस है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू आउटलेट थिकनेस और जो आउटलेट वेलोसिटी है दैट इज़ ग्रेटर देन द वी आई जो इनलेट वेलोसिटी से आउटलेट वेलोसिटी ज़्यादा है और इन जनरल वी कैन से वी आई इज लेस देन वी आर लेस देन वी ओ और वी कैन से वी आर इज़ द सरफेस वेलोसिटी ऑफ द रोल्स सो जो इनलेट वेलोसिटी है और जो आउटलेट वेलोसिटी है उसके बीच में आएगी सरफेस वेलोसिटी यानी कि वी आर दिस इज द सरफेस वेलोसिटी ऑफ द रोल एंड विच इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट वो जो सरफेस वेलोसिटी है रोल्स की वो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम की है कि वो कांस्टेंट है ठीक है देर फॉर देर इज द रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन रोल्स एंड वर्क पीस जो वर्क पीस एंड रोल के बीच में यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन होगी और रोल्स मूविंग फास्टर देन द वर्क पीस इन द बिगनिंग एंड स्लोअर लेटर यानी कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो रोल्स होंगे वो फास्ट मूव करेंगे स्टार्टिंग में क्योंकि वहाँ पे स्लीपिंग एक्शन होगा इसकी वजह से एंड इन एंड एंड में वहाँ पे स्लो मूव करेंगे एट द एंड ऑफ द रोलिंग एट द एंड एट द स्लिप पॉइंट और नेचुरल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर्क वेलोसिटी ऑफ द वर्क पीस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रोल्स एंड देर इज नो रिलेटिवली स्लाइडिंग बिटवीन टू रोल्स ये जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट ऑफ नो स्लिप दिस इज द

नो रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन पॉसिबल नहीं है ठीक है आफ्टर द नेचुरल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी चेंजेस एंड सो डज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विच इज़ इक्वल टू म्यू पी अज्यूमिंग कुलम्स फ्रिक्शन इन द स्लाइडिंग रीजियन जो भी यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा कि स्लाइडिंग न्यूट्रल पॉइंट के बाद डायरेक्शन ऑफ रियलिटी वेलोसिटी चेंजेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विच इज़ इक्वल टू म्यू पी द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू पी विच इज़ अज्यूम एज पर कुलम्स फ्रिक्शन इन द स्लाइडिंग रीजियन जो स्लाइडिंग रीजियन है ठीक है यहाँ पे और यहाँ पे वहाँ पर म्यू पी अज्यूम किया है कुलम्स फ्रिक्शन एंड द वॉल्यूम

एंड द प्ल ऑफ एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द मेटल यानी कि ये जो यहाँ पे लेके यहाँ तक का जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जहाँ पे साइड से एंट्री और एग्जिट से लेके जो भी यहाँ पे आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पे मेटल और वर्किस का मेटल uh, और रोल का कॉन्टैक्ट हो रहा है दैट इज़ डिफाइन एज द जोन ऑफ डिफॉर्मेशन वहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा ठीक है अभी यहाँ पर ये फिगर मेंशन किए हुए दैट इज़ फॉर द रोलिंग ऑपरेशन अभी जो मैंने एक्सप्लेन की थी ठीक है सो यहाँ पे ये जो डी एक्स है उसके लिए यहाँ पे जो एंगल उसके थ्रू कवर किया होगा दैट विल बी थीटा डी थीटा एंड दैट विल बी एट एंगल थीटा एंड अनदर इफ वी एनलार्ज दिस सेक्शन इट विल लुक लाइक दिस द म्यू पी द फ्रिक कुलम फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग ओवर हियर एंड रोलिंग प्रेशर विल भी एक्टिंग एट दिस पॉइंट यहाँ पे रोल होगा ठीक है ये रोल की सरफेस की बात हो रही है सो so, म्यू पी यहाँ पे एक्ट करेगा और यहाँ पे ये डिस्टेंस वाई प्लस डी वाई है एंड दिस विल बी वाई सेम वे यहाँ पे दूसरा रोलर होगा दूसरा रोल होगा और वहाँ पर भी म्यू पी कुलम फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा ठीक है सो दिस इज द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट जो एलिमेंट के ऊपर स्ट्रेस इन दिस वे में यहाँ पे लगेगा नाउ देर आर सम कॉमन पैरामीटर्स यूज टू डिफाइन द डिफॉर्मेशन जोन जो डिफॉर्मेशन जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह आप देख सकते हो कि ये ए से बी तक एंट्री से एक्सिट तक का जो जोन है यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस इस कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन जोन let me repeat this again, jo the volume of metal bounded by the arc of contact between the side edges of strip, jo side edges of strip ke, hai? and the plane of entrance and exit of metal with respect to rules or the plane of entrance or exit hai, that zone is called as deformation zone or zone of deformation. Now, the, what are the Important parameters to explain this zone of deformation. Uh, first one is angle of bite. So, here is the first parameter: there is angle of bite. The angle, which is angle of bite, is defined as alpha, and the angle alpha between the entrance plane and center line. जो एंट्रेंस प्लेन है और सेंटर लाइन है उसके बीच में जो यानी कि जो ये रोल है ठीक है वहाँ से वो एंट्रेंस प्लेन के लिए एंगल था और जो एंगल ऑफ बाइट है दैट विल बी द टोटल एंगल यानी कि ये जो एंट्रेंस प्लेन है और जो सेंटर लाइन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एग्जिट प्लेन यहाँ से सेंटर लाइन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो हॉरिजोनटल सेंटर लाइन लाइन नहीं लेनी है वर्टिकल सेंटर लाइन लेनी है ठीक है यानी कि ये जो एंगल है दैट विल बी द अल्फा और उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट और एंगल ऑफ आ बाइट यहाँ पे भी सेम वे यहाँ पे एंट्रेंस प्लेन से ये सेंटर लाइन दिस इज़ सेंटर लाइन एंड दिस इज द एंट्रेंस प्लेन और जो एंट्रेंस प्लेन से सेंटर लाइन तक का जो गैप है ठीक है दैट विल बी दे अवर एंगल ऑफ बाइट और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे भी अल्फा मेंशन किया गया है ठीक है लेट मी एक्सप्लेन इन द फिगर अर्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अल्फा जो है दैट इज द एंगल ऑफ बाइट यहाँ से यहाँ तक का आप देख सकते हो ये हमारा एंट्रेंस प्लेन है और यहाँ पे ये हमारी सेंटर लाइन है ये दिस इज द सेंटर लाइन एंड दिस इज द एंट्रेंस प्लेन और यहाँ पे उन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा फॉर द एंटरिंग रोल्स सेम वे यहाँ पे भी आएगा सो नाउ द मैक्सिमम परमिशिबल एंगल ऑफ बाइट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट थिंग विच इट्स डिपेंड ऑन इज द मटेरियल ऑफ द रोल एंड बार बीइंग रोल्ड जो बार हम रोल करें और जो मटेरियल है रोल का उसके ऊपर डिपेंड करेगा रफनेस ऑफ देयर सरफ़ेस सरफ़ेस की रफनेस कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगा देन रोलिंग टेम्परेचर एंड स्पीड एंड लुब्रिकेशन फिर रोलिंग टेम्परेचर कितना है स्पीड कितनी है उसकी एंड लुब्रिकेशन नाउ द मैक्सिमम एंगल ऑफ बाइट फॉर रोलिंग देर आर सर्टेन वैल्यूज़ फॉर कोल्ड रोलिंग ऑफ स्टील विथ लुब्रिकेशन ऑन स्मूथ द मैक्सिमम एंगल जो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर स्पेसिफाई की हुई है दैट इज़ फ्रॉम थ्री टू फोर देन फॉर कोल्ड रोलिंग विथ रफ रोल्स जो लुब्रिकेसन ऑन रफ रोल्स उसके लिए एंगल ऑफ बाइट यहाँ पे सिक्स टू एट डिग्री हो जाएगा फिर हॉट रोलिंग में तीन टाइप्स है एक स्मूथ रोल्स और रफ़ रोल्स स्मूथ रोल के लिए 18 से 22 टू तक होगा और रफ रोल्स के लिए 10 टू तो 26 से लेके 28 तक और जो एल्यूमिनियम की हॉट रोलिंग होगी 350 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए दैट विल बी 20 टू तो, 22 टू डिग्री एंगल दैट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर दैट इज़ मैक्सिमम एंगल ऑफ बीट फॉर रोलिंग so this is, uh, this is about the angle of bit another term is sleep sleep is the ratio of difference between the velocity of the work metal and the rolls and the velocity of the rolls generally expressed as the percentage so velocity of rolls hai. वो परसेंटेज में मेंशन की जाएगी और जो स्लिप क्या है इट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द वर्क मेटल एंड द रोल्स जो वर्क मेटल है और रोल्स है उनके बीच की जो स्पीड है उनका रेशियो यानी कि फॉरवर्ड स्लिप में क्या होगा द फॉरवर्ड स्लिप विल बी स्पेसिफाइड एज वी ओ वी ओ इज दैट इज द आउटलेट जो आउटलेट की स्पीड है यानी कि लेट स्पेसिफाई विद दिस डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वी ओ होगी ये यह यहाँ पे होगी वी ओ और यहाँ पे वी आई और जो सरफेस वेलोसिटी है दैट इज रोलर की वेलोसिटी जो है ठीक है रोलर यहाँ पे इन दिस डायरेक्शन इट विल रोटेटिंग और ये वाला रोलर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा सो so, यहाँ पे रोलर की वेलोसिटी है वी आर सो फॉरवर्ड स्लिप का इक्वेशन क्या होगा डिफरेंस बिटवीन जो फॉरवर्ड स्लिप है यहाँ पे आगे वाले पोर्शन के लिए वी ओ माइनस वी आर डिवाइडेड बाय वी आर यानि कि ये उसकी परसेंटेज में स्पेसिफाई की जाएगी यानी कि हंड्रेड दैट विल बी द फॉरवर्ड स्लिप और जो रिवर्स स्लिप है बैकवर्ड बैकवर्ड स्लिप है उसका इक्वेशन क्या होगा यहाँ से जो ये लार्जर होगी वी आर विल बी ग्रेटर सो वी आर में से वी आई माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय वी आर जो लार्जर है उससे डिवाइड करेंगे इंटू हंड्रेड और यहाँ पे वी आर के रेफरेंस में ही फाइंड करना है ठीक है सो दैट विल बी द बैकवर्ड स्लिप एंड दिस विल बी द इक्वेशन फॉर द फॉरवर्ड स्लिप इन द रोलर Another important term is arc of deformation and length of deformation zone. So, here for that we, we have, I have specified the speaker over here. Now the arc AB of the metal over which the metal is in contact with the rolls is known as arc of deformation. यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है आर्क ए बी दैट इज कॉल्ड एज आर्क ऑफ डिफॉर्मेशन एंड द हॉरिजोनटल प्रोजेक्शन ए टू सी ए टू सी तक का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है उसका यहाँ पे लेट मी एनलाज दिस जो ए बी आर्क है उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाइड है यहाँ पे ए टू सी दैट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ आर्क ए बी एंड दैट इज़ कॉल्ड एज लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जो यानी कि ये जो डिफॉर्मेशन जोन की लेंथ प्रोजेक्शन ऑफ आर ए टू बी नाउ वी हैव टू फाइंड द बोथ वैल्यूज सो फर्स्ट फ्रॉम फिगर द कॉस अल्फा वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्वास अल्फा इज इक्वल टू ओ सी लेट मी ड्रॉ दिस ट्राइंगल फर्स्ट दिस इज द ओ ए सी

यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओ टू सी जो डिस्टेंस है दैट विल बी फ्रॉम हीयर टू हीयर एंड दैट विल बी द ओ बी माइनस ओ सी और वी कैन से इट विल बी सी बी यहाँ पर माइनस करेंगे ओ बी में से तो भी हमको मिल जाएगा सॉरी हाँ हाँ वही मिलेगा ओ बी माइनस सी बी ओ बी माइनस सी बी सो इट विल बी इक्वल टू हम उन दोनों को सेपरेट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे ओ बी बाई ओ ए है दैट इज इक्वल टू रेडियस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रोल की रेडियस है दैट इज स्पेसिफाइड बाय द ओ बी बाय यहाँ पे इसको एनलार्ज करेंगे सो so यहाँ पे बी पॉइंट आएगा यहाँ पे ये यह आर्क है सो so ये जो है वो रेडियस सेम रहेगी सो so यहाँ पे वन आ जाएगा उसके बाद जो बी सी है वो क्या है थिकनेस में जो चेंज है वो है टी आई माइनस टी ओ क्लियरली यहाँ पे स्पेसिफाई है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बी टू सी हमको फाइंड करना है सो बी टू सी इज़ इक्वल टू यहाँ पे ये ये कितना है दैट इज़ इक्वल टू टी ओ और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है दैट इज़ वी हैव टू डिवाइड सो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज़ इक्वल टू टी आई माइनस टी ओ यानी कि टी आई में माइनस टी ओ माइनस करेंगे सो so हमको इतना डिस्टेंस मिलेगा ये वाला और ये वाला और उसका हाफ डिस्टेंस करेंगे तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा सो so यानी कि बी सी इज इक्वल टू टी आई माइनस टी ओ डिवाइडेड बाई टू और उसको डिवाइड करना है ओ टू ए से और ओ टू ए से हमको डिवाइड करना है आगे देर विल बी 1 we will take on the other side and O2A is equal to capital R on Ti minus TO is taken as delta T. Now we know that the 1 minus cos alpha is we can write 2 sin square alpha by 2 and delta T by R. So sin alpha by 2 will be 1 by 2 under root delta T by R and next alpha is equal to कैन राइट अंडर रूट डेल्टा टी बाय आर सिंस द साइन आल्फा बाय टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आल्फा बाय टू सो हियर इज द वैल्यू ऑफ आल्फा अंडर रूट डेल्टा टी बाय आर एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ जोन इज इक्वल टू सॉरी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ जोन एल इज इक्वल टू आर साइन आल्फा यहाँ पे जो देख सकते हो लेंथ ऑफ आर ऑफ जोन है दैट इज ए टू सी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा एंड वी कैन राइट साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा टी बाय आर सो इट विल बी रूट आर इन टू टी सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ़ द लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सो सो दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली हैव नाइस डे